हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल एडन ब्लॉगर भावना मंगाल। तो कैसे हैं आप सब? और आज ये अपना ये ब्लॉग मैं बिल्कुल सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं नहाई वगैरह नहीं हूँ, तो बस अभी भी उठी हूँ सोकर। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:20 हो रहे हैं। तो बस आज थोड़ा सा मतलब उठने का टाइम तो जनरली यही है, बट लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा आज से योगा वगैरह शुरू किया जाए। बीच में कुछ दिन तबीयत ख़राब रही तो नहीं कर पा रही थी। सोचा तो मैंने बहुत पहले से था कि करना है, बट लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी तो उस वजह से नहीं हो पाया। बट अब मैं सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा सा डेली मेंटेन करूँ जब तक जिम नहीं खुलता है। अदरवाइज जिम खुल जाएगा तो जिम तो जाना ही है, क्योंकि शरीर बहुत भारी सा लगने लगा है। और बस अब मैंने सोचा कि चलिए आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। आज खैर वैसे किचन वगैरह की जैसे उस दिन क्लीनिंग वगैरह का था, आज ऐसा तो कुछ नहीं है। बस अब फटाफट से पहले झाड़ू पोछा करूँगी और उसके बाद फिर अपना नहा धो के पूजा वगैरह करते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं अपना सुबह मॉर्निंग से ही स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो बस यहाँ पर मैं अपना चाय वगैरह और थोड़ा सा देर योगा वगैरह, ज़्यादा तो नहीं कर पाई, मुश्किल से 10 मिनट ही हुआ क्योंकि पहला दिन था तो थोड़ा सा लग रहा था। तो बस फिर वो करने के बाद मैं अपना सुबह ही, जैसे कि मुझे सुबह सुबह 5 बजे ठाकुर जी के भजन सुनना बहुत पसंद है। मैंने ये ऑरेंज वाला भक्ति सागर भी ले रखा है। वैसे इसके भजन भी मुझे अच्छे लगते हैं और इसके अंदर ऑलमोस्ट शायद 300 भजन है तो सभी के हैं, बट लेकिन मैं जनरली सुबह सुबह सिर्फ ठाकुर जी के भजन सुनती हूँ। तो इसलिए मैं मतलब पेन ड्राइव में या फ़ोन से कई बार इसको कनेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है और पेन ड्राइव भी लग जाती है। बट पेन ड्राइव में तो आप मतलब ऑडियो सॉन्ग होना चाहिए आपके पास और आप लगा दो तो एक तरफा कंटिन्यू बजेंगे। बट लेकिन अगर आप मोबाइल से चला रहे हैं तो आपका जो भी मन करे, जैसे कि आप मुझे जया किशोरी जी के और गौरव कृष्ण गोस्वामी जी जो हैं उनके भजन सुनना बहुत पसंद है, तो बस तो मैं बस उन्हीं के सुबह सुबह भजन लगाती हूँ। और बस उसके बाद मैंने अपना झाड़ू वगैरह स्टार्ट कर दिया है। तो उधर के कमरे में सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ झाड़ू पूजा वाले कमरे में ही, और फिर इधर किचन वगैरह में इधर से सबका झाड़ू वगैरह लगा कर। तो आजकल वैसे भी दिन में दिन भर घर ही हूँ तो पता नहीं कितनी बार दिन भर सफाई होती है, कितनी बार झाड़ू लगता है, कितनी बार डस्टिंग होती है। तो वैसे इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, ये पन्निया वन्निया हैं जो आजकल बच्चे वगैरह, आप कभी बिस्किट वगैरह या कुछ अगर थोड़ा बहुत बाहर से लेके आते हैं तो उसके लिए। और मुझे पन्निया इकट्ठी करने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं है बिल्कुल भी कि पन्निया इकट्ठी करके रख दीजिए। जब ज़रूरत होती है तो थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होते घर में, हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ लाते ही रहते हैं, कभी सब्जियां, कभी कुछ तो पन्निया रखी रहती हैं। इसलिए मुझे इकट्ठी करने का बिल्कुल शौक नहीं है, इसलिए मैं पन्निया इकट्ठी नहीं करती हूँ, फेंक देती हूँ। तो बस यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बाहर झाड़ू ब्रांडे में लगा लूँगी। और जैसा कि आज गुरुवार है तो पोछा वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ गुरुवार को, कभी कभार अगर जैसे नवरात्रि चल रहे हैं या दिवाली का टाइम है तो दिवाली वगैरह में तो अक्सर खैर धो ही लेते हैं, धोते हैं नवरात्रि वगैरह में भी। बट लेकिन अगर नवरात्रियाँ चल रही हैं तो मैं बस हल्का सा पूजा के कमरे में लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं गुरुवार को पोछा नहीं लगाती, मशीन नहीं लगाती कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पर बाहर भी अभी अंधेरा सा ही हो रहा था तो बस मैं फटाफट झाड़ू लगाऊँगी। और बाहर भी ऐसा साफ़ ही था, क्योंकि ऐसा कहीं आजकल बाहर आना जाना भी नहीं हो रहा है कि कहीं है, तो बस झाड़ू फटाफट झाड़ू लगा के मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, नहा धोने के बाद मैंने यहाँ पर पूजा वगैरह कर ली है, तो मैंने सोचा कि चलिए आज के फूल बंगले के ठाकुर जी के आपको दर्शन करा देती हूँ। तो बहुत ही मन भावन सा दृश्य है आजकल, तो बस ऐसा लगता है कि बस इन्हें देखती रहूं और आप लोगों को भी इनके दर्शन कराऊं। तो यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और जो आपकी दिल से इच्छा है आप ठाकुर जी से मांग लीजिए। मेरा ऐसा परम मतलब पूर्ण विश्वास है कि वो मनोकामना आपकी ज़रूर पूर्ण होगी। और बस यहाँ पर मंदिर वगैरह भी सब पूजा वगैरह हो गई है, तो यहाँ पर भी मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को दर्शन करा दिए जाएँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? और वैसे तो आज का ब्लॉग मैं सुबह स्टार्ट कर चुकी थी मॉर्निंग में, और बस लेकिन उस टाइम इतनी ज़्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि सुबह सुबह का ही टाइम था, तो
थोड़ा सा लगता भी है सुबह सुबह, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिल भी नहीं पाई क्योंकि उसके बाद अपना घर का डस्टिंग वस्टिंग करके फिर जैसा कि आप सभी को पता ही है कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले क्या, मुश्किल से अभी 4-5 दिन पहले इस तरफ की फेसिंग किया था। बट लेकिन एक तो उसमें जो कबर्ड है वो दोनों खोलने में दिक्कत होती है, तो यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लगता है, बट लेकिन मतलब वहाँ की जो जनरल वो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो अलमारी खुल नहीं पाती है प्रॉपर, और चाहिए होती है। पूजा का ऑलमोस्ट सामान उसी में रखा है। और दूसरा, जैसा कि फूल बंगले में ठाकुर जी को बैठाना था और तीनों ही अब बाहर वहाँ पर फूल बंगले में बैठाए हैं मैंने अपने, तो वो मतलब जो पूजा करने जब बैठते हैं पूजा स्थान पर, तब वहाँ पर मतलब जो इधर की साइड फेसिंग होती है वहाँ से नहीं दिखाई देती है। तो इस वजह से फिर मैंने आज सुबह वापस से वो वही सेम शिफ्ट कर दिया। और वैसे आप लोग बोल रहे होंगे कि फूल बंगला इतना लेट, क्योंकि फूल बंगला जो वृंदावन की जो परंपरा है बांके बिहारी जी की, वहाँ जो कामदा एकादशी होती है उस वाली एकादशी से फूल बंगला स्टार्ट किया जाता है। आज पिछले कुछ रीज़न रहे जो नहीं मैं मतलब बैठा पाई उनको फूल बंगले में, तो मैंने सोचा कि चलिए आज से ही बैठा देते हैं। और अभी अक्षय तृतीया पर भी मैं उनका चंदन श्रृंगार नहीं कर पाई थी। अक्षय तृतीया के दिन से 21 दिन तक लगातार ठाकुर जी को चंदन यात्रा कह लीजिए या चंदन लेप, गर्मियों में अक्सर उनको चंदन का वो लगाया जाता है, तो बस उनको चंदन का सिर पर मैं लगाती हूँ। पूरा तो मैंने अब तक नहीं किया है कि पूरा वो, बट हाँ सिर पर अच्छे से लगाती हूँ और नहाने से पहले कई बार चंदन की वो भी कर देती हूँ। तो बस, और इत्र वगैरह उससे सबसे, फूल वगैरह आजकल थोड़ा नहीं मिल रहा है लॉकडाउन की वजह से, और घर पर गुलाब है भी नहीं, तो इस वजह से गुलाब वगैरह का मुझे बहुत अच्छा था कि गुलाब वगैरह से सजाया जाए हर बार की तरह, बट लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बस जैसा हो पाए और जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो जैसा चाहते हैं वो हमसे करवा लेते हैं। हम ना कुछ उनको दे सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, उनकी जैसी इच्छा होती है वो हमसे करवाते हैं। तो बस इसीलिए मैं सोचा कि चलिए आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ, और फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करके फिर अब तो खैर नहीं, काफ़ी देर पहले फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ। दिन का टाइम है, थोड़ा सा फ्री है, और अभी मेरी जो आज वीडियो जानी है उसकी एडिटिंग भी नहीं हुई है, तो अभी देखती हूँ उसको एडिटिंग वगैरह करके वो भी अपलोड करनी है। और तो आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं, क्या चल रहा है, और लॉकडाउन भी देखते हैं 3 मई आने वाला है, शायद खुल जाए शायद आगे बढ़ जाए, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं पता लग पा रहा है क्या होने वाला है। तो चलिए जो भी होगा देश के लिए, दुनिया के लिए, हम सब के लिए अच्छा होगा। तो आज हमारे यहाँ बहुत बड़े मास्टर शेफ़ आए हुए हैं जो कि सूजी का केक बना रहे हैं और साथ में बना रहे हैं बैंगन का भरता। तो जैसा कि दिन के बाद फिर शाम तक बात नहीं हो पाई, और फिर अमित जी अब ये बना रहे थे और फिर शाम हो गई थी, तो उन्होंने बैंगन का भरता भी, एक्चुअली उनको बहुत पसंद है सब्जी बैंगन की, बैंगन का भरता वगैरह, तो उनका मन हुआ कि आज मैं बनाता हूँ, तो वो बना रहे थे आज। तो बस मैंने यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ सेकी और रात के खाने की तैयारी हो गई, तो आज यही सिंपल सा खाना है। और केक भी सच में बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बना था, और मैं आगे जल्दी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस भोग वगैरह लगाने के बाद यहाँ पर अब मैं थाली लगाऊंगी अमित जी के लिए, और
अमित जी को और काना को, इनको मैं गरम गरम ही रोटियां देना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि होट केस में रोटियां लगा लगा के रख दो और फिर बाद में खाओ। वैसे अच्छा लगता है कई बार एक साथ खाना खाते हैं, बट लेकिन जनरली जैसे मैं रात को पुलाव बनाती हूँ या कई बार कुछ हल्का फुल्का ही बनाती हूँ, तो इसलिए हम लोग जनरली खाना खा लेते हैं एक साथ में। तो जब मैं रोटी वगैरह सब्जी वगैरह बनाती हूँ तो फटाफट से ही मतलब बनाती हूँ, और सब्जी सच में बहुत टेस्टी बनी थी। यहाँ थाली हो गई रेडी, आप लोग भी आ जाइए खाना खा लीजिए। तो बस यहाँ पर अभी खाना पीना मैंने इनको दे दिया है, अपना अभी रह गया है, बट पहले मैं गैस वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ हाथों हाथ, उसके बाद ही खाना खाती हूँ। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह सब क्लीन कर लेती हूँ। तो चले गाइस, यहाँ पर मैं फ़िलहाल वीडियो का एंड करूँगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो नए वीडियो देखते रहें। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।